हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, आप सब स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे, आप सबका सोल पर्पज पूरा हो, आप सबके रियूनियन हो, आप सबका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। सो माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। बस खुद पर विश्वास कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे विचार के साथ, अपने सोल पर्पस के साथ, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के साथ आगे सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। सो माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो जो है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी पर है, ये कलेक्टिव रीडिंग है बाबू। तो अगर ये रेजोनेट करता रखिए, नहीं करता छोड़ दीजिए, बट आप लोग पॉजिटिव रहें, ठीक है, और तभी आप एनर्जी पिक कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपके सोच रहेंगे, विचार रहेंगे, वैसे ही आप एनर्जी पिक कर पाओगे। इसलिए पॉजिटिव रहना, तब वो आप अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर पाओगे। ये मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सबके लिए, ये ऑल साइन के लिए है। तो डियर, आज सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी थी, कुछ सेशन था, कुछ हीलिंग सेशन था, तो इसमें बहुत ज्यादा बिजी रही हूँ। तो आप लोग के लिए इस वक्त वीडियो लेकर आई हूँ, तो पॉजिटिव होकर सुनिएगा और उसके लिए सॉरी जब मैं सुबह वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं सुबह से ही आज बहुत बिजी रही हूँ। तो डियर, इसीलिए सुबह का वीडियो मैं नहीं बना पाई, ठीक है। तो इस वक्त जो एनर्जी आपके पार्टनर की आपके लिए लेकर क्या फील कर रहे, क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी है डियर। तो चलिए पॉजिटिव रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ले करें और अपने पार्टनर का नाम लें और पॉजिटिव थॉट्स रखें, ठीक है डियर। तो चलिए, अभी जो आपके पर्सन की जो एनर्जी है डियर, ठीक है, अभी देखिए, मुझे तो यहाँ थोड़ा आपके पर्सन ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, ईगोन बहुत ईगो है, लेकिन मतलब यहाँ पे देखा जाए इस वक्त जो वो सोच रहे हैं, उनसे जो गलती हुई वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो खुद को कोस रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता हो रहा है आपको खोकर, आपसे दूर जाकर। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। अभी इतना ही नहीं है, उन्हें पता कि आप सोलमेट हो उनके या ट्विन हो, वो बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन एक ऐसी फीलिंग्स है जो आप उनके दिल दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। काफी वो जोर लगा रहे हैं अपने दिल और दिमाग पर, काफी जोर लगा रहे हैं इस वक्त अपने दिल और दिमाग पर, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्यार तो करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इतना भी क्या कि मेरे दिल दिमाग से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि तुम मेरे दिल दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हो, काफी जोर लगा रहा है, प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, स्टक है, परेशान है, लेकिन यहाँ पे अपने आप से ही वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी पिक करते हैं जो आपकी एनर्जी होती है डियर, और उन्हें रह रहकर एक बेचैनी होती है, आपकी याद आती है, क्योंकि आप जो जिस तरफ में हो, आप अपने इनर वर्क कर रहे हो, आप अपने ऊपर बैलेंस कर रहे हो, ये एनर्जी आपके पर्सन की तरफ जा रही है, इसलिए उनके दिल दिमाग में बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है। वो आपको बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं आपके यादों को दिल दिमाग से निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो अपने काम पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और क्योंकि इतनी इतने दिन हो सकता है, आप लोग कितने दिन हो गए हो, और ये दिन पर दिन ना ये चीज बढ़ती जा रही है, ये बेचैनी दिमाग में, फाइटिंग, और ये काफी सोचे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में कितने आए और कितने गई। आपके पर्सन फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं, आपके पर्सन के पहले भी अफेयर हो चुके होंगे और हो सकता है आज भी हैं, लेकिन उन सब में सिर्फ आप एक हो, जो कि आप सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये एनर्जी वो पिक कर पाते हैं, पिक कर पा रहे हैं कि आखिर क्यों, मैं बहुत इंजॉय किया हूँ, बहुत लोगों के साथ फ्लर्टिंग किया हूँ, बट तुम हो कौन, क्यों मेरे दिल दिमाग से नहीं निकल पाती हो। ये काफी उनके दिल दिमाग में ये चीज चल रहा है डियर। हमारे रिश्ते में कोई बात इतना शुरुआत में ऐसी शुरुआत नहीं थी, अब ये बोलना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो अब उनके लाइफ में आप गए डियर, तो ये रिश्ते का बुनियाद इतना स्ट्रांग नहीं था, एक अट्रैक्शन था, एक आकर्षण था, एक फिजिकल अट्रैक्शन जो आपने उनको अपनी ओर खींचा, उन्हें ऐसा लगा, लेकिन ये चीज इतना मजबूत हो जाएगा और उनके दिल दिमाग में आप घर कर जाओगे, ये काफी सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, हे प्रभु गॉड, प्लीज कोई रास्ता निकालिए, मेरी मदद कीजिए। वो प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करूं, कैसे करूं,
जो भी इंसान है डियर अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और यहाँ कमिटमेंट तो अभी कमिटमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो क्या आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ मुझे ये चीज नहीं दिख रहा है, काफी अपने आप से फाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ईगो बहुत ज्यादा है, ईगो नहीं कम रहा है आपके पर्सन का। आप लोग बिल्कुल मेरे व्यूअर्स, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट में है, कुछ लोग से बात हुई है, आजकल में बात हुई है, लेकिन थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत आप पर प्यार उभार दी, प्यार को बरसा दिए, ऐसी एनर्जी नहीं। तो डियर कुछ के पर्सन मैं देख रही हूँ इस दर्द पेन के साथ साथ वो अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं कुछ के पर्सन, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स भी ये एनर्जी पिक कर रहे होंगे, उनको भी ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। तो उनको अब अंदर से एक आवाज आ रही है कि आप उनके लिए क्या हो। ये बहुत फाइट कर रहे हैं डियर, माइंड बॉडी सोल इनका पूरा फाइट कर रहा है, और ये सब कुछ ठीक करना भी चाहते हैं, ठीक है, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। हमेशा अपने, मतलब अपने आप को, एक होता ना अपने आप को हिल करना, खुद खुश रहना, ये एनर्जी में हमेशा आपके पर्सन रहे हैं। लेकिन आपने उन्हें हिला कर रख दिया जब से उनके आप लाइफ में गए, जब आपको वो छोड़ कर गए, ठीक है, तो उन बात को याद कर रहे हैं। लेकिन इनका ईगो बोलता है नहीं, मैंने जो किया वो सही किया। ये देखिए निगेटिविटी है, ठीक है, ब्लॉकेज है, इनका कर्म है जो उन्हें भी रोक रहा है। अभी इनको अपने ऊपर काम करना होगा डियर, और आपको अपने ऊपर काम करना होगा। लेकिन आपके पर्सन इज्जत सोसाइटी समाज के लिए बहुत मरते हैं, इनको दिखावा बहुत पसंद है, ठीक है। कम भी है तो ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा है तो और बढ़कर दिखाने की कोशिश करेंगे। अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है, सोसाइटी में नाम हो सकता है, बट इनका ईगो यहाँ मैं देख रही हूँ कम नहीं हो रहा डियर, क्योंकि मैं यहाँ आपके पर्सन की जो एनर्जी देख रही हूँ, उनको उम्मीद है कि डियर कि अगर तुम में इतना बिताबी है, तुम इतना बेचैन है, तो तुम मेरे पास जरूर आओगी, उनकी ऐसी एनर्जी है। क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार करती थी, आज तुम खुद को कंट्रोल कर कैसे बैठी हो, ठीक है, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपसे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है डियर, दिल और दिमाग में बस आपसे एक मिलने की ख्वाहिश है, बस आपसे मिलना है और कुछ एनर्जी आपकी लेनी है। कुछ के फैमिली हो सकते हैं, सोसाइटी में अच्छा नेम फेम हो सकता है, जिससे उनको डर है कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो सोसाइटी समाज उन्हें उस नजर से देखेगी जो वो चाहते नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ के पार्टनर के बच्चे हैं और बच्चे से उन्हें बहुत लगाव है, ठीक है। कुछ के पार्टनर की किसी से मैरिज हुई है तो उनका मैरिड लाइफ जो भी है वहां से बहुत कंफ्यूज है निकलने में, वो क्लियर नहीं है कि मुझे वहां से निकलना है। कुछ के पार्टनर की ऐसी एनर्जी है, कुछ के पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी इशू है, वहां से वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो अब बर्डन हो चुके। दो तरह की एनर्जी है डियर, मैरिज जिससे हो सकता है सोलमेट से हो, आप ट्विन हो, तो हो सकता है वहां कंफ्यूज है, वो अपने उस पार्टनर को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और आपको भी लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन अभी इनकी एनर्जी अपने काम पर फोकस करें, फाइनेंस पर फोकस करें, सोसाइटी को दिखाना है, बच्चे को अच्छे लाइफ देना है, ये सोच है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी बाबू अगर आप इस एनर्जी में हो तो कभी भी मुड़ कर अभी मत जाना, अपने ऊपर हार्ड वर्क करना, ठीक है। इनका माइंड हमेशा जो होता है एनर्जी चेंज होता रहता है। ये मुझे नहीं लगा कि आपको अभी कमिटमेंट देने वाले हैं, आपको अभी लंबा खींचेंगे डियर। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम उठाना चाहते हैं, आप पर नजर रखते हैं, ठीक है, जो छुप छुपा कर आप पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। और देखिए आपके बिना वो अधूरा फील करते हैं, क्योंकि सही बात है कि आपसे जो एक एनर्जी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है, तो अधूरा फील कर पाते हैं। लेकिन वो अपने काम पर फोकस रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ, तो आप उन्हें पूरा कर दो, ये कहना भी चाहते हैं, अपने माइंड बॉडी सोल से बात करते हैं कि तुम मुझे पूरा कर दो, ये कहना चाहते हैं। मेरी दुनिया भी मैं जानता हूँ तुमसे हूँ, लेकिन मैं क्यों रुका हूँ, मैं क्यों थमा हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये आपके पर्सन बोलना चाहते हैं। लेकिन आपके तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, आप पर नजर है, चेस भी करते हैं आप पर, ठीक है। कुछ के पेरेंट्स मैं देख रही हूँ, कुछ के पेरेंट्स जो मैरिड हैं, मैं देख रही हूँ कि कुछ के पेरेंट्स आपके पार्टनर का कहीं भी मैरिज की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, तो थोड़ा सा वहां भी आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, खुल कर ना अपने पेरेंट्स से बोल पा रहे हैं, ना आपकी तरफ एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है। और इशू यहाँ मुझे जो दिख रहा है, थर्ड पार्टी मदर सिस्टर हो सकती है, या फिर जहां उनकी मैरिज है हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है डियर, थर्ड पार्टी आपको जैसे लेना है ले लो, तो वहां कंफ्यूज है, निकलना मुश्किल लग रहा है उन्हें, ठीक है। लेकिन ये सोच है
करूं तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ईगो इनका कम नहीं रहा है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ऑन ऑफ ऐसा आपके लाइफ में चलता रह रहा है डियर। तो मैं यहाँ सब मिलाकर यही देख रही हूँ बाबू कि अपने ऊपर आप काम करो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद ही इतना कंफ्यूज है तो आपको क्या कमिटमेंट देंगे। कॉल मैसेज आप लोग को कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए लग रहा बाबू कि आप लोग बातों बातों में झगड़े लड़ाई मत करना, किसी से बहस हो सकती है, ठीक है, और आप पर बहुत ज्यादा फोकस है, चेस कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो मुझे दिख रहा है डियर उसके वजह से आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन बातों बातों में आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं और आपको ऐसे बताएंगे कि आप कहीं ना कहीं उन्हें माफ कर दोगे। बस यही बोलेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम समझ सकती हो, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर इतना बर्डन है, मैं चाहता हूं निकलना, मैं नहीं निकल पा रहा हूं। तो मुझे जो यहाँ एनर्जी देख रहे बाबू, मुझे नहीं लग रहा अभी आपके पर्सन आएंगे और जाएंगे, एनर्जी लेंगे और जाएंगे, इसलिए आप अपने ऊपर बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। बस अपना हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। मैं शुरू से यही बोल रही हूँ, जितना जल्दी आप बैलेंस करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है बाबू। तो इस वक्त जैसी एनर्जी आपके पर्सन की थी डियर, यही एनर्जी थी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उनका एनर्जी होता है हमेशा चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता है बाबू, एक जैसी एनर्जी नहीं होती है। हमारे व्यूअर्स की भी अलग अलग एनर्जी होती है, हर स्टेप पर होती है, बहुत लोग हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर, तो सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, सबको नहीं मैच हो सकती है, ठीक है। अगर जो अगर नहीं आपसे ये रेजोनेट करती है तो मेरे वीडियो, मेरे चैनल का कोई वीडियो आपको फोकस कर रहा है तो उसको जरूर आप देखें, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी जरूर मिलेगी डियर, ठीक है। तो चलिए डियर, आप स्ट्रांग बनिए, विल पावर बढ़ाइए और आगे बढ़िए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। कॉल मैसेज आता है रिसीव कीजिए, बात कीजिए, लड़ाई झगड़े मत कीजिए, उम्मीद मत कीजिए, खुद से जुड़िए, खुद से उम्मीद कीजिए, सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। बस जो करोगे आपके हाथ में सारा कुछ है, जो भी करोगे बस आप करोगे बाबू, ठीक है। बस अच्छी नींद लो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, अपनों का, अपनी फैमिली का, खुद का ध्यान दो, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है। पूरी नींद लेना, हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, निगेटिविटी लेट गो होगा, आपका विल पावर बढ़ेगा और आप अंदर से स्ट्रांग होते जाओगे, आप लोग धीरे धीरे स्ट्रांग होते भी जा रहे हो डियर, ठीक है। तो ये थी बाबू आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड आई लव यू।